हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।
इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे।
फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है।
फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सूर्य इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सूर्य इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी,
जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर छिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर दिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के परोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रथिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर छिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के परोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित
तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ
अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था।
फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन, इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है।
फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेन इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन, इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेन इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन, इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी,
जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर दिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर दिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित
तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था।
सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रथिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था।
हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत के समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।
इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांचीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन, इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांचीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन, इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे।
फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है।
फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेन इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेन इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है।
फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर दिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेंद्र इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर दिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेंद्र इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं।
इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य
तक पूरा किया गया कर दिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के परोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के परोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था।
हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।
इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांचीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांचीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे।
फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है।
फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सूर्य इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सूर्य इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी,
जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर दिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रथिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर दिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित
तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था।
सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के परोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के परोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था।
हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सायरन वन इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनुपमा परमेश्वरम, योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।
इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांचीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन, इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांचीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई, कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, सायरन वन, इस मूवी को 108 के रूप में भी विपणन किया गया था। यह 2024 के तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया। इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया था। फिल्म में जयम रवि और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिका में है, साथ ही अनुपमा परमेश्वरम योगी बाबू और समुद्रिकानी सहायक भूमिका में नजर आएंगे।
फिल्म का निर्देशन एंटनी भाग्यराज ने किया था। यह फिल्म के मुख्य अभिनेता में हमें नजर आएंगे जयम रवि और कार्तिक सुरेश। फिल्म के लेखक एंटनी भाग्यराज हैं। इस फिल्म की उत्पत्ति सुजाता विजय कुमार की कंपनी से हुई है। इसकी मुख्य कंपनी होम मूवी मेकर्स है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सायरन के तहत की गई थी, जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उपशीर्ष कर दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसे कांजीपुरम, चेन्नई, कराईकुंडी, कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 में मध्य तक पूरा किया गया कर लिया गया था। फिल्म के संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है। सीएम छायांकन सेल्वा कुमार इसके कुछ द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया था। सायरन शुरू में दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अधूरे पोस्टर और प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे मिश्रित समीक्षा के साथ औसत संग्रह के साथ 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म थिलांगन कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे अपर अपनी पत्नी जेनिफर और उसके दोस्त कथिर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 14 साल बाद वे जेनिफर और कार्तिक की मौत का बदला लेने के लिए 14 दिनों के पैरोल पर वह बाहर आता है। फिल्म में जयम रवि थिलांगवरनम थिलांगना के रूप में, कार्तिक सुरेश इंस्पेक्टर के नंदिनी के रूप में नजर आएंगे और जेनिफर थिलांगना की पत्नी के रूप में अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2023 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 की शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था। तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराईकला में की गई थी और कथित तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुग्रह दिखाया गया था। फिल्म अप्रैल के मध्य तक पूरा कर लिया गया था।